हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल। तो कैसे हैं आप सब लोग गाइस? बस सुबह के बज गए हैं 7:30। मैंने नहा लिया है, पूजा भी नहीं करी है मैंने, क्योंकि मैंने सोचा पहले इनको फ्री कर दूँ, इनके लिए लंच वगैरह पैक कर दिया। लंच में बनाया है मैंने बैगन का भरता विद रोटी, और साथ में यहाँ पर बन रहा है पोहा। ये देखिए गाइस, इसको भिगा दिया है। यहाँ पे एक तरफ मसाला प्रिपेयर हो रहा है, एक तरफ यहाँ पे मूंगफली जो है वो फ्राई हो रही है छोटी वाली कढ़ाई में, ये देखिए। और यहाँ पे मेरी फेवरेट कढ़ाई है मम्मी वाली, उसमें मैंने मसाला डाल दिया, प्रिपेयर कर दिया। अब बस फटाफट से पोहा बनाते हैं भाई। आपको पोहा पसंद हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा आपको पसंद है पोहा कि नहीं पसंद है। और गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है मज़ेदार, तो आप देखिए, कीप वॉचिंग एंड स्टे विद मी। तो गाइस ये देखिए, बढ़िया फटाफट से पोहा रेडी हो गया इनके लिए। हाँ भाई, चाय बना दो आपके लिए, बाथरूम में होना, आवाज़ नहीं आ रही। सो गाइस, फटाफट से मैंने बढ़िया सा पोहा रेडी कर दिया भाई। जिसको पसंद है कमेंट करके बता देना कि हमें पोहा पसंद है, खाना हो तो मेरे घर आ जाना, मोस्ट वेलकम। सो गाइस, पूजा डन हो गई है और गणपति जी आने वाले हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और गाइस देखिए, यहाँ पे ना मूर्ति की शॉप है हमारे यहाँ, मतलब एक अंकल जी मूर्ति बनाते हैं, तो शायद वहाँ से गणेश जी आ रहे हैं, मतलब कोई लेने आया है उनको। तो देखो कितने ढोल बजने की आवाज़ आ रही है, सो गाइस मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। गणेश जी कब आएंगे, मज़ा आएगा, पूजा करेंगे, मस्ती करेंगे, भजन करेंगे, और उनको रोज़ 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 अच्छे अच्छे पकवान के भोग लगाएंगे। इस बहाने हमें भी खाने को मिल जाएगा उनके बहाने। सो गाइस वेट करते हैं, कब आते हैं वो, कल आएंगे गणेश जी लेके। ये देखिए गाइस, भयंकर लड़ाई हो रही है यहाँ पे कौओं की। खाने उसने उसकी चील ले ली तो वो लड़ाई हो गई। चले गए वहां लड़ते लड़ते। मैडम जी आ गई हैं जल्दी पढ़ने। बढ़िया बढ़िया सेब आ गए हैं देखो, लाल लाल। वीडियोस बनाते हैं ना तो आपके एप्पल दिखा दूं, अच्छे हैं, बढ़िया है, अच्छे। अब कल भी एप्पल ही लाओगे, कुछ और फल लाओगे? चलो ठीक है भैया, आवाज़ लगा देना। वैसे कल अभी तो रखे हैं, खैर इतने सारे एक साथ एक ही खा लूँ वही बहुत है रोज। गाइस आज तो मस्त मौज हो रही है, देखो गणेश जी को लेके आए हैं, वो जा रहे हैं गणेश जी, तो क्या मस्त ढोल वोल बजा के लेके जा रहे हैं वो। अरे गणेश जी, जय गणपति बप्पा। मोर यार दिख रहे हैं आपको, देखो बैठे हैं उसके अंदर लेके जा रहे हैं। साफ नहीं दिख रहे गणेश जी, अंधेरा हो गया ना। सो गाइस आई एम राइटिंग सम टॉपिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर स्टूडेंट्स। सो गाइस मैंने सम टॉपिक्स यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं फॉर दी स्टूडेंट्स फॉर गिविंग द प्रेजेंटेशन, एंड दे कैन ऑल्सो डू द डिबेट ऑन दीज टॉपिक्स। लाइक फर्स्ट है पावर ऑफ मीडिया। आजकल आपको पता है कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है मीडिया, कितना मतलब क्या पावर है, क्या कहाँ यूज़ होता है, तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा है माई ड्रीम आर हाई बट नो जॉब्स। हमारे ड्रीम्स हाई होते हैं लेकिन जॉब्स नहीं होती तो क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि देर आर लॉट ऑफ पीपल, दे आर वेल एजुकेटेड इन स्पाइट ऑफ दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ जॉब्स, सो दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो मस्ट इम्पॉर्टेंट, दे कैन स्पीक मोर ऑन दैट टॉपिक। इनोवेशन ऑफ साइंस, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। वन स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस, वन स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस, दिस इज़ वेरी ब्रिलियंट टॉपिक। लाइक आप सक्सेस पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कौन सा स्टेप ले सकते हो। सोशल मीडिया आर न्यू फ्रेंड इन दीज डेज, आई थिंक 80% लाइक यू कैन से दे आर 80% चिल्ड्रन दे हैव अ फ्रेंड लाइक सोशल मीडिया, बिकॉज दे ऑलवेज बींग एंगेज्ड ऑन द सोशल मीडिया, सो वी कैन से दैट सोशल मीडिया इज़ आर न्यू फ्रेंड। Poverty doesn't matter, health versus money, native language is better than English,
ये भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश से अच्छी है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स आई प्रिपेयर टुडे। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच, एक्चुअली टुडे आई एम गोइंग टू गिव ऑल दीज टॉपिक्स टू द स्टूडेंट वन बाय वन एंड दे विल हैव टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन आफ्टर दैन दे विल स्पीक ऑन दोज टॉपिक्स। सो गाइज अब चलते हैं, अक्षत स्कूल से आ गया है, फटाफट से इसे लंच वगैरह देती हूँ मैं, उसके बाद फिर इसकी सीसीटी की तैयारी करवानी है, उसके बाद इसका हाफ ईयरली एग्जाम है 17 से, उसकी तैयारी करानी है। आई एम सो बिजी एक्चुअली एंड ऑल्सो आई एम इन अ डीप सी बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कोर्स एंड आई हैव टू जस्ट कम्प्लीट, आई हैव टू गेट हिम लर्न ऑल दी कोर्सेज। सो गाइज चलते हैं। इधर हो रहा है तीज का फंक्शन, गाइज बहुत ही जोरों शोरों से हो रहा है तीज का प्रोग्राम, देखिए जरा ये देखिए गाइस। गाइस ये ले आया है बुआ के घर से फेंटा, और फेंटा पीने का ये इतना शौकीन है कि इसे खाना भी मत दो, बट ये गंदी बात है, फेंटा नहीं देंगे हम। और गाइस अब हर ट्यूसडे हमारे यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में होता है हनुमान चालीसा का पाठ, तो बहुत ही मजा आ गया सुन के गाइस। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, कल का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग मिस मत कीजिएगा बिकॉज गणेश जी कल पधार रहे हैं तो पूरा आपको ब्लॉग दिखाएंगे। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड शेयर कीजिएगा गाइस। राधे राधे, जय माता दी। गाइस आज बनी है बढ़िया, आज बनी है घिया चने की पंच फोरन वाली दाल गाइस, और अब मैं जा रही हूँ चावल चढ़ाने क्योंकि अब हम दाल राइस खाने वाले हैं आज, और कुछ नहीं हमें खाना ज्यादा। तो गाइस बस अब जा रही हूँ मैं इसमें चावल चढ़ाने, बाय बाय, एंड वाला व्लॉग पहले।